तो जी जनाब, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे ठीक होंगे और खुशबाश रहें, हंसते खेलते रहें। तो चलें, आज का काम जो शुरू करते हैं। तो आज मैं आपको जिस चीज़ के बारे में बताने लगा हूँ, जो स्किल्स है, उसे आप सीख कर आप डॉलर कमा सकते हैं। घर बैठे आप डॉलरों में खेल सकते हैं, खेल तो नहीं सकते लेकिन कमा सकते हैं अच्छे खासे डॉलर। सर्विसेज जो आपने प्रोवाइड करनी है वो इतनी मुश्किल नहीं है, इजीली है। तो काम क्या करना होगा, आपने कैसे करना होगा, और आप ये वाला काम मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। अगर आपके पास एक सिंपल या कोई भी एंड्रॉयड मोबाइल है तो आप उसके ऊपर भी ये काम कर सकते हैं। तो चलें शुरू करते हैं कि काम कैसे करना है। जैसे कि आपको पता है कि कंपनियाँ जो होती हैं, जो कंपनी होती है वो अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, या वो कोई कोई भी नई चीज़ लॉन्च करती है तो उसको वो लोगों तक पहुँचाने के लिए अपनी मशहूरी करती है, एडवर्टाइजिंग करती है, इश्तहार चलाती है सोशल मीडिया के थ्रू या गूगल ऐड के थ्रू, यूट्यूब के थ्रू। तो अभी मैं सिर्फ थोड़ा थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, अभी आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, कहें कि इधर ही रोक दिया है। तो मैं ये सारी चीज़ें जो ऊपर खुली हुई हैं, मैंने आपको इन सारी चीज़ों के बारे में बताना है, वीडियो को आपने स्किप नहीं करना। तो इसमें चार पाँच तीन चार टूल्स हैं जो मैंने आपको सिखाने हैं, तो वीडियो को मिस नहीं करना, फिर बोल रहा हूँ, ताकि आपको अच्छी खासी इसकी नॉलेज मिल सके। तो मैं वीडियो को शॉर्ट शॉर्ट नहीं बताता कि 4-5 मिनट की या 7-8 मिनट की वीडियो बनाई और चलें बस उसको लगा दिया। तो मैं आपको पूरा A to Z इसका प्रोसीजर बताता हूँ कि आपने काम कैसे करना है, ताकि आपको फुल उसका पता चल सके। अगर ये आप काम कर लेंगे ना, एक बार मेरी वीडियो देख लें, तो आप इसके बारे में कोई पता नहीं है तो यकीन माने आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देंगे, मैं यकीन से कहता हूँ। तो मैं बता रहा था कि कंपनियाँ अपनी एडवर्टाइजिंग करती हैं, अपनी मशहूरी, अपनी प्रोडक्ट जो वो बनाते हैं उसको सेल करने के लिए। तो अब ये होता है कि कंपनीज़ की मशहूरी या कोई ऐड चल रही होती है तो वो सीधी अपने कस्टमर के टारगेट पर नहीं पहुँच रही होती, तो जो उनको एग्जैक्ट वो बंदों को टारगेट करे। बिलफर्ज कंपनी अपनी ऐड चला रही है, उसने कोई प्रोडक्ट लॉन्च की है, अब बंदा उसको उस बंदा ने वो प्रोडक्ट लेनी है लेकिन वो उस मशहूरी उसने देखी नहीं है, वो ऐड जो बनी हुई है वो बंदा मिस था, तो इस तरह वो अपने टारगेट से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हैं। तो इसलिए उन्होंने ये प्रोसीजर किया है जो मैं आपको बताने लगा हूँ। तो अब कंपनियाँ क्या करती हैं, कंपनियाँ अपने कस्टमर का डाटा ख़रीदती हैं, डाटा ऑनलाइन मिल जाता है, लोग इसको प्रोवाइड करते हैं और वो इससे पैसे कमाते हैं। इस तरह कंपनियाँ क्या होती हैं, वो अपने टारगेट के ऊपर एग्जैक्ट पहुँच जाती हैं बिल्कुल, इस तरह उनकी सेल्स भी बढ़ती है। अगर वो अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को दोबारा रीच करना चाहें, एक बार उसने चीज़ नहीं किया तो वो बार बार उसको टारगेट करती है, तो बंदा एक बार ख़रीद ही लेता है। तो इस तरह ये डाटा भी सेल किया जाता है, डाटा कंपनियां मांगती हैं और वो इसके अच्छे खासे पैसे भी देती हैं आपको। तो इस तरह आपने ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, तो आप भी अपनी सर्विस प्रोवाइड करके ये अर्निंग कर सकते हैं। इसका मैं आपको पूरा प्रोसीजर बताऊंगा A to Z, ठीक है, जिसमें आप कंपनी को बंदे का नाम, पता, ईमेल एड्रेस, सारा डाटा देंगे जो कि आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। तो कंपनियां इसके लिए हज़ारों हज़ारों की तादाद में बंदों को हायर करती हैं और हज़ारों में डॉलर में वो पैसे भी देती हैं, इसके चार्जेस पे करती हैं। इसका मैं आपको प्रोसीजर बताने लगा हूँ कि आपने ये कैसे काम करना है, बिल्कुल फ्री है, कॉपी पेस्ट वाला सीन है, ठीक है, कोई इसमें वो रॉकेट साइंस साइंस नहीं है कि आपने ये टेक्निकली काम करना है। अब आपने ये वीडियो बस लास्ट एक बार देख लेनी है, मेरी ये वाली वीडियो, और आप इससे अर्निंग करना शुरू कर देंगे। तो चले शुरू करते हैं। पर सबसे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि फ्रीलांसिंग वेबसाइट के ऊपर आपने अपनी ये सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स हैं, या जैसे भी आपने ये वाली अपनी सर्विसेज जो ऑफ़र करनी है उधर से भी आपने अपने क्लाइंट फाइंड करने हैं, ठीक है। तो अब मैं आता हूँ फाइवर पे ऊपर, ये देखें ये वाला प्लेटफॉर्म है। तो मैंने इधर सर्च किया डाटा स्क्रैपिंग, क्या सर्च किया ये देखें, वेब स्क्रैपिंग, डाटा स्क्रैपिंग, वेब माइनिंग, डाटा माइनिंग जो भी है। अब ये देखें, जब मैंने इधर ये सर्च किया तो ये नीचे ये वाली सर्विसेज ऑफ़र होना शुरू होगी। अब ये देखें, ये वाले बंदे मैंने ऊपर वाले टॉप सभी सभी बंदों को ओपन किया हुआ है, इनकी देखी हुई है। इसी तरह मैं नीचे एक आधी और कर लेता हूँ। अब ये देखिए, इसको मैंने ओपन कर लिया। अब ये देखिए, बंदा कह रहा है आई विल डू एनी काइंड ऑफ डाटा एंट्री, कॉपी पेस्ट, वेब रिच स्क्रैपिंग, एक्सेल डाटा एंट्री।
तो घबराना नहीं है आपने, मैं आपको इसके बारे में ए टू जेड डिटेल दूंगा। इससे पहले मुझे पता आपको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखने के बाद इतना काबिल हो जाएंगे कि आप वेब स्क्रैपिंग, वेब माइनिंग, डेटा स्क्रैपिंग, ईमेल स्क्रैपिंग, सारा कुछ आपको करना आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये देखें, ये बंदा, इसके पास दो ऑर्डर अभी पड़े हैं और ये 2475 रुपये में अपनी सर्विस बेसिस प्रोवाइड कर रहा है। तो ये बंदा किधर से है? सोरिया, इसका कंट्री है बांग्लादेश। बांग्लादेश है ये। इसने 2020 5 में, 4th 5 में ज्वाइन किया था। ये देखिए, अच्छा खासा इसका सिस्टम चल रहा है। 47 इसने ऑर्डर कंप्लीट किए हैं अभी तक। अब इसके बाद आ जाएं इधर, ये देखें, आई विल डू वेब स्क्रैपिंग, डाटा माइनिंग, एक्सट्रैक्शन एंड डाटा कलेक्शन। तो ये देखें, ये बंदा, इसके बारे में आपको बताता हूँ। अब इसके पास भी 5 ऑर्डर पड़े हैं, दो, तो ये $5 ले रहा है एक और, एक इसकी सर्विसेज चार्जेस। तो आपकी स्किल्स पे है, जब आपकी स्किल्स इतनी बेटर हो जाएगी, आप एक्सपर्ट बन जाएंगे, तब आप अपने चार्जेस भी बढ़ा सकते हैं और कुछ पेड सर्विसेज भी ले सकते हैं, जिससे आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। लेकिन मैंने तो अभी आपको बिल्कुल फ्री वाली सिखानी है। तो अब ये देखें, ये बंदा क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, मैंने आपको सारी बतानी है इसकी। अब ये देखें, ये कह रहा है मैं क्या करता हूँ, वेब स्क्रैपिंग करता हूँ, ये भी मैं आपको सिखाऊंगा। माइनिंग, वेब स्क्रैपिंग, वेब माइनिंग सेम एक ही है। ठीक है, उसके बाद ये क्या कहता है, वेब मस्ट बी प्रोवाइडेड बाय द क्लाइंट। तो ये कुछ क्लाइंट आपको वेबसाइट भी प्रोवाइड करते हैं, कुछ वैसे भी आपको बता देते हैं कि ये वाली आपने सर्विसेज के ऑफर रिलेटेड बंदे फाइंड करने हैं, उनकी ईमेल, डाटा, जो भी वो बताएंगे। अब ये देखें, स्क्रैपिंग, एक्सट्रैक्शन, प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, तो ये सारी आपको सिखाई जाएगी कि आपने क्या काम करना है। ठीक है, इधर आ जाएं इस बंदे। अब ये देखें, ये वाला बंदा एक्सपर्ट है, काफ़ी एक्सपर्ट नहीं, बस इसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो ये देखें, इसके पास 18 ऑर्डर हैं। ये बंदा भी 14 लाख रुपया कमा चुका है इधर से, 14 लाख रुपये, 1649 ये अपनी सर्विस एक ही ले रहा है। उसके बाद है स्टैंडर्ड, उसकी ले रहा है 3298, प्रीमियम की ले रहा है 9000। इस तरह ये अपने रो इसने बताई हैं, बस ये वाली, इनकी इनके चार्जेस ले रहा है बस। तो करना वही सेम काम है, इसने कुछ नहीं करना, बस इसने लगा के छोड़ देना। इन्होंने थोड़ी सी हैवी परचेज किया होता है सॉफ्टवेयर, मैंने आपको तो फ्री सिखाने हैं। तो अब ये देखें, इधर आ जाएं इस बंदे की, ये जो बंदा है ये भी क्या काम करता है, डाटा एंट्री। अब ये देखें, ये वाली सर्विसेज आपको मैंने प्रोवाइड करनी है, ये वाली आपको सिखानी है, बिल्कुल आप फ्री में ये सीख सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग है, डाटा स्क्रैपिंग, उसके बाद डाटा माइनिंग है, उसके बाद ईमेल स्क्रैपिंग है, उसके बाद एक्सेल डाटा एंट्री है। ठीक है, ये आपको आती है तो ठीक है, अदरवाइज आपने देख लेना है। उसके बाद है PDF टू एक्सेल, ये भी आपको सिखाऊंगा। सारा सीन ही ऑनलाइन है यार, आपने घबराना नहीं है, बस आपने मेरे साथ जुड़े रहना है। तो मैं आपको इसकी A to Z डिटेल दूंगा, कैसे आपने काम करना है, क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलिए, अब इसके ऊपर मैं आपको अकाउंट बनाना सिखाता हूँ। आपने अपनी सर्विसेज जो प्रोवाइड करनी है, उसके लिए तो आपको उसका चाहिए ना, ये वाली जैसे इन बंदों ने बनाई है। तो आपने क्या काम करना है, आपने आना इधर फाइबर के ऊपर, आपने आना है इधर से, आपने सर्च करना है फाइबर। फाइबर मेरा चूँकि अकाउंट लगा हुआ है, तो आपने तो नया बनाना है। आपने किसी बंदे की वीडियो देख लेनी कि फाइबर के ऊपर अकाउंट कैसे बनाते हैं। ठीक, बनाते हैं। उसके बाद आपने आ जाना है अपनी इधर, जब आप अपने अकाउंट में ऐड हो जाएंगे तो आपने आ जाना है इधर गिग पे। जब आपने आ जाना है गिग पे, तो इधर आपने क्या करना है, क्रिएट न्यू गिग, इधर आ जाना आपने। तो इधर आ जाना, इधर आपने किसी बंदे एक ही उठा लेनी है गिग, ये देखें। तो सेम नहीं उठानी आपने, अगर सेम उठाई तो आपकी गिग को अप्रूव नहीं मिलेगा। अप्रूव से मुराद ये है कि वो आपको क्या कहते हैं, परमिशन नहीं देंगे, आपकी गिग एक्सेप्ट नहीं होगी। इसलिए आपने क्या करना है, उसमें थोड़ा सा ऐड कर देना कुछ अपनी तरफ से या किसी और की। अब ये देखें, जैसे कि आई विल डू वेब स्क्रैपिंग एंड डाटा माइनिंग, एक्सट्रैक्शन एंड डाटा कलेक्शन। तो इधर आप कर दें वेब स्क्रैपिंग, डाटा माइनिंग, इधर लिख दें ईमेल,
ईमेल स्क्रैपिंग, ईमेल एक्सट्रैक्शन एंड डाटा, इस तरह अपनी तरफ से आपने ऐड कर देना। उसके बाद आपने आ जाना इधर, कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है कोई, जिस कैटेगरी की आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये आएगा कि इसमें आएगा बिजनेस में आएगा इसमें, ठीक है, इसमें आएगा। उसके बाद आपने क्या सिलेक्ट करना है, डाटा एंट्री, ये वाली आपने सर्विसेज सिलेक्ट कर लेनी है। डाटा एंट्री नहीं तो कोई और देख लें जो इसको सूटेबल करे, बिजनेस कंसल्टेंट्स। उसके बाद है गेम, नहीं यही वाली आएगी, मार्केट रिसर्च ये कर लें, ये ज़्यादा बेस्ट रहेगा, मार्केट रिसर्च, ठीक है। तो अब ये देखें, नहीं ये भी नहीं ठीक रहेगा, डाटा एंट्री ठीक रहेगा, बिजनेस प्लान, उसके बाद नहीं ये नहीं। तो डाटा एंट्री वर्चुअल असिस्टेंट कर लें या डाटा एंट्री कर लें, ठीक है। तो इस तरह आपने इधर से चूज़ कर लेना है क्या फॉर्मेट, कॉपी डाटा, इंसर्ट क्लीनिंग, जो भी आपको अच्छा लगे आपने कॉपी डाटा कर लेना है, ठीक है, कॉपी डाटा ही करना है, उन्हें कॉपी पेस्ट काम करना है। उसके बाद आपने आ जाना है इन बंदों की जो कि होगी उसके नीचे इधर। तो ये देखें, ये हमें ये वाले टैग हमने कॉपी करने हैं, ठीक है। इसको मैंने ओपन किया, स्क्रैपिंग इसको किया, डाटा एक्सट्रैक्शन, ठीक है, डाटा माइनिंग इसको मैंने ओपन किया, तो इधर गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल सी, नहीं इसमें ये काफ़ी ज़्यादा डाटा माइनिंग कर ले क्योंकि वो फिर ज़्यादा उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इस तरह इधर ये आप टैग लगा रहे हैं, ये अब आपके टैग लग रहे हैं। उसके बाद आपने आ जाना है इधर इस प्लेटफॉर्म के वो दूसरे टैग के जो आपने किया, क्या इधर डाटा माइनिंग। अब आपने इसको उठा लेना, स्क्रैपिंग इसको कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है अपने इधर दोबारा टैग में, इसको इंटर किया। उसके बाद जो जो आपकी उसके रिलेटेड है गिग के रिलेटेड टैग्स, तो वो आपने उठा लेने, डाटा माइनिंग, डाटा स्क्रैपिंग सेम ही आ गए सारे। तो इधर आ जाएं, ये देखें, ये वेब स्क्रैपिंग उधर हम खुद लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं वेब वेब स्क्रैपिंग, ठीक है। तो ये पांच कीवर्ड आपने इधर लगाने हैं, तो इसको सेव कर दिया। तो अब ये देखेंगे आगे ले गया नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। तो इधर आपने अपनी सर्विसेज बना लेनी है, बेसिक कौन सी है, तीन सर्विसेज आपने प्रोवाइड करनी है, ये देखें पैकेजेस आपने अपने बना लेने हैं, गिग पैकेज। तो इसमें वो बता रहा है कैसे बताना है आपने। अब ये देखिए, इधर आपने अपना बेसिक बना लेना है, इधर कर लें ए, ये प्लान का आपने नाम देना है, प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी, इसको आप ऐसे भी दे सकते हैं डायमंड, गोल्ड, तो प्रीमियम, इस तरह नाम दे सकते हैं। अब आपने इस बंदे की सर्विस इसी तरह देखते जाना है आपने, ये कैसे हो रहा है। तो ये देखें, अब ये बंदा जो है, ये भाई भी तीन सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, ये देखिए बेसिक इनकी ये वाली है बेसिक। इधर से उठाना आपने इसको, ऐसे उठाना, सभी बंदे कॉपी पेस्ट ही करते हैं, लेकिन आपने फुल कॉपी नहीं करनी ताकि आपको इसका अप्रूवल मिल जाए, ठीक है। फुल कॉपी की तो आपको इसकी वो फाइबर आपकी गिग को रिजेक्ट कर देगा। अब ये देखें सेम है, अभी पेस्ट कर देता हूँ इधर ही, इसको मैं कर देता हूँ विल स्क्रैप 100। अब इसको मैं कर देता हूँ कितना, बस ऐड ही करना है ना यार, जो भी मैं तो आपको बस बता रहा हूँ कैसे आपने करना है। अब डिलीवरी टाइम आपने अपनी मर्ज़ी से सिलेक्ट कर देना है कि 2 दिन का, 3 दिन का, जितने में आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं अपना कंटेंट तैयार करके, 2 डे, 3 डे,
इसके बाद है हाउस ऑफ वर्क। हाउस ऑफ वर्क ये क्या है, करना है तो ठीक है, नहीं तो ये टाइम भी लगाना था ना, 2 घंटे में कर दूंगा, 3 घंटे में, 3 घंटे कर दें ठीक है, नहीं लगाने तो बेस्ट तो ये है कि रहने दें आप, इसका इतना नहीं है। रिवीजन आपने देनी है बेसिक में तो दे दें, नहीं देनी है तो ज़्यादातर बंदे ये अपने दूसरे तीसरे प्लान में ही देते हैं ठीक है। इसमें 2 रिवीजन और जो लास्ट है उसमें कोई 3 4 कर देते हैं, या 5 या 2, आपने अपने हिसाब से करनी है। इस तरह आपने जो बेसिक है उसमें से आपने 5 रो करनी है, इसमें 5 कर दें, इधर 10 कर दें, और इधर 15 20 जो भी कर दें, जितना भी आपने करना है। अब ये देखें, ये हमारा प्लान बन गया ABC। तो इस तरह ये देखें, मैं भी इधर लिख सकता था बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम, लेकिन मैंने उधर ABC लिखा है। तो अब आपने इधर क्या करना है, सेव एंड कंटिन्यू पे किया। तो ये देखिए, अब वो आपसे पूछ रहा है आपकी गिग के बारे में, आपकी सर्विसेज के बारे में, कि आपकी सर्विसेज क्या हैं, आप क्या काम करते हैं। तो सेम फिर मैंने इधर आया, तो मैंने इस भाई का उठाया, जस्ट आपको बताने के लिए ही कर रहा हूँ। तो वैसे आपने नहीं ऐसे काम करना, आपने सभी बंदों को जो टॉप के उनका आपने कंटेंट लेना, थोड़ा थोड़ा उसको ऐड किए जाना है। तो इस तरह आप अपनी सर्विसेज में ये वाली चीज़ें ऐड कर सकते हैं, जैसे कि मैं इसमें कॉपी पेस्ट करके लगा रहा हूँ। मैं तो आपको जस्ट बताने के लिए लगा रहा हूँ कि आपने ये करना क्या है। इधर आप अपने फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चन लगा सकते हैं, जैसे कि इस भाई ने लगाए हैं, ये देखें, अब ये देखें, अब ये देखें, ये बंदा उससे ये आपने लगाने हैं तो लगा सकते हैं, व्हाट टाइप ऑफ वेब स्क्रैपिंग यू यू विल डू। तो इसको मैं लगाना चाहता हूँ तो कैसे लगाएंगे इसको। इधर मैंने ये कॉपी किया, सेम कॉपी किया, और मैं इधर आ गया। अब मैं करता हूँ ऐड क्वेश्चन, इधर मैंने इसको पेस्ट किया, तो मैं दोबारा फिर उसके क्वेश्चन की तरफ चला जाता हूँ। तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, जो उसका उसने नीचे जवाब लिखा है कि आई कैन, क्या लिखा है, आई कैन डू एनी टाइप ऑफ वेब स्क्रैपिंग। तो ये बंदा कह रहा है मैं किसी भी किस्म की वेब स्क्रैपिंग कर सकता हूँ, इसका नीचे हमने जवाब लिख देना है ठीक है। अब इसको क्या करना है, इसको कर देना है हमने ऐड। अब जब ये ऐड हो गया तो इसको आपने क्या कर देना, सेव एंड कंटिन्यू। सेम इसी तरह आपने इसके नीचे भी जो जो ये वाले क्वेश्चन आप लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, सेम इसी तरह। अब मैं करता हूँ सेव एंड कंटिन्यू पे ठीक है। तो अब ये देखें, वो पूछ रहा है कि आप गेट ऑल द इंफॉर्मेशन यू नीड फ्रॉम बायर टू गेट स्टार्टेड। आपने अपने बारे में बायर को बताना है ताकि वो आपसे काम कर सके, आपका कितना एक्सपीरियंस है, आप कहाँ से हैं, क्या क्या है आप। तो मैं फिर इधर आया, मैंने इसका ये वाला उठाया नीचे से भाई का, माई नेम इज़ शराफत अली एंड आई एम प्रोफेशनल वेब स्क्रैपिंग डाटा माइनिंग। तो आप भी बन जाएंगे वेब स्क्रैपिंग डाटा माइनिंग कुछ देर के बाद। तो इधर आया मैंने भाई, इधर फिर इसको ऐड क्वेश्चन किया, तो इधर मैंने कर दिया शराफत की जगह मैंने अपना नाम लिख दिया। ये क्या हो गया, चलें जो भी है इसका इसका क्या है, आई एम माय नेम इज अबू ठीक है। तो ये आपने इसी तरह आपने अपनी भी ऐड कर लेनी है जहाँ पे आपको लगे। तो कॉपी पेस्ट वाला सीन नहीं करना ठीक है, नहीं तो आपकी गिग हाँ जी प्रूव नहीं होगी। इसको आपने कर देना है ऐड। अब इसके बाद जो है वो है फाइनल, आपका सेव एंड कंटिन्यू पे किया। तो अब ये देखें, ये आपके बारे में पूछ रहा है, अपना अपनी गिग के ऊपर जो पिक्चर लगानी है वो कौन सी लगानी है, जैसे किसी बहन ने लगाई है, इसने वीडियो लगाई है, और इस भाई ने क्या लगाया है, इन्होंने अपनी पिक्चर लगाई है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आया, तो मैं क्या करता हूँ, स्क्रैपिंग दी वेब, मैं इसको उठाता हूँ, इस पिक्चर को, इस भाई की पिक्चर उठाई। अब ये देखिए 10 ऑर्डर इसके पास पड़े हैं। तो आप यार करें ये वाला काम आप भी। इधर मैंने सेव इमेज एज किया, तो पिक्चर का इतना इशू नहीं होता, लेकिन कॉपी पेस्ट वाला सीन जो होगा ना उस पर फाइबर आपको प्रूफ नहीं देता।
तो मैं इधर आया। अब मैंने अपनी ये क्या रहा है, बिल्ड योर गिग गैलरी, अपनी पिक्चर लगानी है। अगर आपके पास वीडियो है तो आप मेरे से वीडियो लगा लें, अगर पिक्चर है जो मैंने अभी उठाई है तो मैं इधर लगाता हूँ। ब्राउज, अब मैं गया डेस्कटॉप पे, तो इधर से जो मैंने वो कॉपी की थी किसी भाई की, ये देखें ये पड़ी है, इसको किया मैंने, ठीक है, ये लगी उसी गिग के ऊपर। तो ये देखिए सेव एंड कंटिन्यू किया, तो ये देखें इंग्लिश स्किल्स टेस्ट, यू आर गिग विल रिमेन इन ड्राफ्ट मोड अंटिल यू कंप्लीट दिस टेस्ट। तो अब ये आया है फाइवर के ऊपर नया सीन जनाब, कि आपको एक टेस्ट देना पड़ता है, शॉर्ट सा टेस्ट होता है, तो वो आप पास करते हैं तो वो आपकी रिग अब पब्लिश होती है। तो ये कई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके ऊपर वो ये मांग रहे हैं, तो कुछ गिग्स ऐसे हैं जिनके ऊपर वो नहीं मांग रहे। तो अब आपने इसको इसका टेस्ट देना देना है, रीटेक टेस्ट। अब मैं उस दिन बैठा था वैसे ही मैंने पंगा लिया, मैंने देख कहा कि देखूँ ये क्या है, जैसे कि आप उस गाने के लिए काम कर रहा हूँ, तो वैसे मेरे तो प्रोफेशनल अकाउंट हैं वो वाले दूसरे, उस पर मैं काम करता हूँ, ये तो आपको सिखाने के लिए। तो ये देखें अब ये कह रहा है प्लीज़ वेट 91 डे टू रीटेक दिस टेस्ट। अब 3 माह के बाद आप ये टेस्ट ले सकते हैं, ठीक है। तो अगर टेस्ट करना है तो आप अपना बंदोबस्त कर लेना, साथ कोई कंप्यूटर या कोई भी बंदा इंग्लिश का, या कोई भी आपने अपने साथ बिठा लेना है एक्सपर्ट बंदे को, या कोई भी किसी बंदे की वीडियो देख लेनी है जिसको इसके क्वेश्चन को क्वेश्चन का जवाब आता हो, तो तब आपने इनको करना है, ठीक है। अदरवाइज ये 3 3 माह ले लेगा आपसे, उसके बाद ही आप अगर आप ये टेस्ट पास करते हैं उसके बाद आपकी पब्लिश गिग होगी, जैसे इन बंदों की ये वाली पब्लिश हुई पड़ी है ना, तो इस तरह आपकी गिग भी पब्लिश हो जाएगी। तो मैं इधर आया फिर अपने अकाउंट में, ठीक है, सेव एंड प्रीव्यू में किया। अब मैं आता हूँ दोबारा फिर अपने इधर अकाउंट में, अब ये देखें ये वाली गिग मेरी किधर गई, सेल टू स्विचिंग। अब इस पे मैं आता हूँ, तो मैं जाता हूँ अपनी गिग के ऊपर। अब मैं अपनी गिग के ऊपर गया तो 1 एक्टिव है जो, अब ये देखिए मेरी एक्टिव कोई भी नहीं है, बस वैसे ही मिल गए। तो ये 3 ड्राफ्ट में पड़ी हुई हैं, इनके ऊपर वैसे टेस्ट नहीं लेते, ग्राफिक डिज़ाइनिंग ये सोशल मीडिया के ऊपर ले रहे हैं सेम ये वाला। अब ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि आपकी जो जो वाली गिग डिज़ाइन की कैसे लगेगी। नहीं ये प्रीव्यू नहीं दिखा रही इसका, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एडिट एडिट किया, तो अभी मैं गया पब्लिश के ऊपर, चलें सेव एंड प्रीव्यू किया। तो ये देखें ये वाली आपकी गिग है वो जनाब जो हमने बनाई थी, $5 बेसिक है, ए प्लान है, उसके बाद जो है बी प्लान है 1649, उसके बाद प्रीमियम है जो सी प्लान, इसमें 3000। इस तरह ये देखें ये मेरी गिग बन गई जनाब, मेरे बारे में सारी इंफॉर्मेशन, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ फलां फलां। तो अब इस तरह आपने अगर वो टेस्ट पास करना था, बाकी गिग ये वाली शो होगी लोगों के पास, तो इस तरह आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। टेस्ट शेयर ही होगी इसको छोड़ें, अभी टेस्ट आपने पास करना है तो ध्यान से करें। चलें अब नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट स्टेप जो है, जो भी हमने काम करना है जिसके बारे में मैंने आपको बताना है, तो जी जनाब अब मैं फाइबर को करता हूँ डिलीट इधर से सभी को। तो अब ये देखें जनाब ये हमारे पास एक है, इसको नाम क्या है, एक्सटेंशन इंस्टेंट डाटा स्क्रैपिंग। तो ये डाटा स्क्रैपिंग आपने कैसे करनी है, तो
अगर आप अपने लैपटॉप के ऊपर हैं तो आप निकाल लें जनाब अपना लैपटॉप, मोबाइल के ऊपर हैं तो तब भी मोबाइल के ऊपर आप अपना डेस्कटॉप वर्जन ओपन कर लें, तो उसके ऊपर जाके इधर 3 डॉट के ऊपर जाएं और थोड़ा सा इधर नीचे आएंगे कहीं, इधर वो आपको बताएगा डेस्कटॉप मोड या डेस्कटॉप वर्जन, तो इस तरह आपने उसको ओपन कर लेना है जनाब। इसको आपने इधर सर्च करना है इंस्टेंट डाटा स्क्रैपर एक्सटेंशन, साथ में लिखना है डाटा स्क्रैपर एक्सटेंशन, जब वो आप लिखेंगे तो ये उधर आ जाएगी। उसके बाद आपने इसको क्या करना है, अब ये देखें मैं ऐसे करता हूँ, मैं बता देता हूँ आपको, इंस्टेड डाटा एक्सट्रैक्शन एक्सट्रैक्शन, अच्छा इसका नाम क्या मुझे भूल गया है, स्क्रैपर सचाना था इसका, इंस्टा डाटा स्क्रैपर। अब ये देखिए नीचे आ गई इंस्टा डाटा स्क्रैपर एक्सटेंशन, इसको आपने कर लेना है ओपन। अब ये इधर आएंगे इंस्टा डाटा स्क्रैपर, इसको इसके ऊपर आप जब इसको ओपन करेंगे तो इधर से एक्सटेंशन ये आ गई, इसके पूछेगा कि अब ये इधर आ रहा है रिमूव फ्रॉम योर क्रोम, रिमूव फ्रॉम क्रोम, तो उधर आएगा ऐड फ्रॉम ऐड इन क्रोम, ये तो इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो इधर वो ऐड हो जाएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है तो इधर आ जाना, इसके ऊपर वो पिन बनी होगी जैसे ये, अब ये देखें ये हाईलाइट हो गया, अब इसको आपने क्या करना है, इसके ऊपर फिर क्लिक करना है तो ये इधर शो होना हो जाएगी, ठीक है इधर रहेगी आगे पीछे नहीं जाएगी, इसको पिन कर देना है ठीक है। तो ये आप काम अपने मोबाइल के ऊपर भी कर सकते हैं। तो अब आपने काम क्या करना है, अब आपने जाना है, जैसे मैं जाता हूँ, चलिए इसको एक बार डिलीट कर लूँ, अब आप आते हैं जनाब इधर क्रोम के ऊपर, इधर मैं सर्च करता हूँ क्या, इधर मैं सर्च करता हूँ कोई भी, अब क्लाइंट ने मुझे टास्क दिया, मुझे रियल एस्टेट एजेंट के बंदों का डाटा चाहिए पाकिस्तान में जो है, जो या वो लाहौर में है या वो कसूर के, क्लाइंट आपको डाटा देगा या वो आपको लिंक देगा वेबसाइट का या कोई भी, तो बिलफर्ज़ से बंदा कहता है कि मेरे पास मुझे बंदे चाहिए जो लाहौर में काम कर रहे हैं, या इंडिया का कोई बंदा है या कोई यूएसए का कोई भी किसी भी कंट्री का बंदा है, वो आपको कहेगा कि मुझे सभी बंदों के जो जो सीईओ हैं या कोई एचआर या कोई मैनेजर हैं किसी भी ब्रांच में किसी भी तरह के, तो उनका मुझे डाटा चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, इधर मैं आया, इधर मैंने इसको ओपन किया, गूगल गूगल मैप ओपन किया, अब ये देखिए ये मैंने गूगल मैप ओपन किया, जब मैंने ये गूगल गूगल मैप ओपन कर लिया तो अब मैं आ जाता हूँ गूगल के ऊपर, तो इधर मैं क्या लिखता हूँ, चूँकि मैं पाकिस्तान में सर्च कर रहा हूँ, तो अभी आपको जो क्लाइंट कोई भी डाटा दे किसी भी कंट्री का, तो आपने क्या करना है, उस बंदे का जो डाटा आपको मिला होगा वो डाटा आपने इधर गूगल के ऊपर इधर लिया ठा मारना है, इधर डाल देना है। तो मैं करता हूँ जैसे कि अब ये देखें रियल एजेंट, मैं करता हूँ रियल रियल एजेंट इन लाहौर, लाहौर जो टाउन जो भी पंजाब कर लें, तो मैं इसको ये कहता हूँ रियल एजेंट इन लाहौर, ठीक है। तो अब ये देखें ये वाला सारा इधर एक जहाँ पे जमघटा बन गया, ये कॉन्टैक्ट वो बंदे इधर हैं, तो ये देखें अब ये वाली कंपनी है प्रॉपर्टी डीलर इन लाहौर रियल स्टेट, ये इनका नाम पता है एड्रेस कंपनी वेबसाइट है, तो इस तरह ये काफ़ी रियल स्टेट के बंदे हैं, तो ठीक है इनका हमें डाटा कलेक्ट करना था। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं इधर इस अब ये देखें ये वाला ऑटो, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, अब ये देखें क्रोम के ऊपर सम टाइम काम करता है सम टाइम नहीं करता, लेकिन मेरे पास अभी ये काम नहीं कर रहा, आपने अपने क्रोम एक्सटेंशन में इसको ऐड करना है, अगर आप उधर काम कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो मैं आपको इसका एक अलहदा और भी इसके तरीके जुगाड़ बताता हूँ, ठीक है। अब ये देखिए इसको आपने इधर ऐसे बस कुछ नहीं करना, ठीक है। अब ये देखिए ये अपना डाटा फेच कर रहा है, टाइम ले रहा है, तो ये देखिए इसने क्या दिया, इंस्टा डाटा डज नॉट सपोर्ट डाटा एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दिस साइट,
तो अच्छा, अब आपने क्या करना है, आपने आ जाना है इधर, वेट, आपने आ जाना है इधर, आपने इधर सर्च करना है इंडेक्स, इंडेक्स ये ब्राउज़र है, ये जैसे गूगल क्रोम सर्च इंजन है, ये है रशिया का, तो इसके ऊपर आपने सर्च करना है गूगल, गूगल मैप। अब जब आप इसके ऊपर गूगल मैप करेंगे ओपन, तो सेम ये वाली आपने जो स्ट्रेटजी है, ये वाली रियल जेंट इन लाहौर, तो इधर आए इंडेक्स में, इधर मैं क्या करता हूँ, इसको करता हूँ पेस्ट, तो इधर मैं करता हूँ सर्च इसको, ठीक है। अब इधर से भी डाटा नहीं मिला, तो हम एक और जगह पे जाएंगे, इधर से मिलेगा, तो अब ये देखें, ये सेम वही एड्रेस आ गया, प्रॉपर्टी डीलर लाहौर, ठीक है। तो अब इसके ऊपर मैं करता हूँ क्लिक, अब ये देखें ये डाटा फेच कर रहा है दोबारा फिर, तो ये देखें ये डाटा आना शुरू हो चुका है। अब ये वाला डाटा जो इसने प्रोवाइड किया है, ठीक है, अभी मेरा थोड़ा वैसे भी इसमें मसला आ रहा है, तो इसलिए ये काम भी नहीं सही कर रही। ये देखें ये थोड़ा सा डाटा अभी इसने निकाला, ये बाकी इसको कर रहा है फैच। तो इस तरह आपने इसके ऊपर फिर आपने क्या करना है, नेक्स्ट पे जाना है इस तरह, ये देखें 21 से 40 तक हो गए, तो दोबारा फिर इसके ऊपर आना है। पता नहीं मेरा इसमें अभी ये काम नहीं कर रहा, लेकिन डाटा निकाल के दे रहा है, तो फिलहाल प्रॉपर अभी ये काम नहीं कर रहा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इधर आता हूँ, अब आपने इधर लिखना है येलो पेज, वाई या वाई पी लिख लें, या येलो पेज लिखना है, ठीक है, येलो पेज आप इधर लिखें। अब आपके सामने आ गए हैं येलो पेज, दिलियर येलो पेज .com, ये सारे जो जो भी है ना टॉप के पेजेस, ये देखिए इसको भी आपने इधर ओपन कर लेना है। अब ये देखें दी रियल येलो पेज, लिंक्डइन है ये, तो ठीक है। अब ये देखें ये क्या है, बिजनेस, ये भी येलो पेज है, ठीक है येलो पेज है। अब ये देखें ये मैंने येलो पेज ओपन किया, तो अब इधर मुझे क्लाइंट ने कोई डाटा दिया था किसी और कंट्री का। अब ये देखें ये नीचे रेस्टोरेंट हैं, या डेंटिस्ट हैं, या मेडिकल हैं, क्लिनिक है, या कार रिपेयर है, जो भी डाटा। अब ये देखिए इधर ये कैटेगरी आ गई, शॉप ऑनलाइन फीचर में, जो जो भी आपने डाटा इधर से निकालना है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑनलाइन है, ये जो भी सारा सीन है। अब आपने क्या करना है, अब क्लाइंट ने मुझे डाटा दिया है इधर किसी कंपनी का, या एक कीवर्ड दिया है, तो अब ये देखें मैं क्या करता हूँ, हॉस्पिटल इन, इसको मैं करता हूँ डिलीट, ये हॉस्पिटल स्पेलिंग भी ठीक है कि नहीं, अच्छा ये देखिए इसको मैंने ओपन किया, इधर से कॉपी किया, ठीक थे मेरे भी उधर यार, ये देखें हॉस्पिटल, अच्छा मैं इसको पेस्ट किया इधर, कॉपी नहीं हुआ। अच्छा मज़े की बात बताऊँ, एक दफ़ा एक बंदा हमें मिला, उस टाइम मुझे पता नहीं था कि डाटा स्क्रैपिंग कैसे करते हैं। वो बंदा कह रहा था कि यूएसए के जो ना कॉलेजेस हैं ना, यूएसए में स्कूल्स हैं सारे, तो उनका हमें डाटा चाहिए, तो पता नहीं वो कितने, हम जो डॉलर दे, $80 या कोई इतने दे रहा था, तो हमें पता ही नहीं था जनाब कि डाटा निकालना कैसे है, ठीक है। तो उस टाइम पता होता था उसे कहना फट, वो यूएसए के सभी कॉलेज के कॉन्टैक्ट नंबर या डाटा पूरा मांग रहा, एड्रेस लोकेशन। तो जनाब ये देखें अब ये है, अब मैं क्या करूँ, हॉस्पिटल किधर मैंने देखना, यूएसए में, इधर मैंने लिखा यूएसए, अब आगे लिख दिया कोई यूएसए कैलिफोर्निया, तो ये नीचे उसकी स्टेट्स आ रही हैं, लॉस
एंजल्स जो भी है आपने इधर फाइंड करना, उसके आगे आपने इधर लिख के देना है, ठीक है, जो भी करंट लोकेशन आपकी हो। अब मैं क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ फोर्स स्केच, पता नहीं क्या है ये कंट्री का, ये उसकी यूएसए की है। अब मैंने इसको ओपन किया, अब ये देखें ये जो येलो पेज, येलो पेज जो सबसे ज़्यादा आपको बेस्ट डाटा मिलता है, ठीक है, येलो पेज के ऊपर। तो ये एशिया की कंट्री कुछ हो सकती हैं जिसका डाटा आपको शायद के ना मिले येलो पेज के ऊपर, लेकिन ये मोस्टली यूरोप की या कोई बड़ी कंट्रीज उनका डाटा मिल जाता है आपको। तो अब जनाब, अब आपने क्या करना है, ये देखें ये कितने नीचे रिजल्ट आ गए, ये देखें। अब मैं क्या करता हूँ, अब इधर आया, मैंने इसको किया ओपन, तो ये टाइम ले रहा है। तो ये देखें ये जो येलो पेज के ऊपर ये वाली एक्सट्रैक्शन बहुत ही परफेक्ट काम करती है, काम तो उधर भी करती है लेकिन मेरे ब्राउज़र पे अभी नहीं कर रही है। आप करेंगे तो आपके ब्राउज़र पे बिल्कुल वर्क करेगी, अगर उधर नहीं वर्क कर रही तो आपने इधर ये जो टॉप की वेबसाइट है ये देखें, इसको निकालें। अब आपने क्या करना है, अब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सी एस वी फाइल या कॉपी ऑल, इसको क्लिक करूँगा ये सारा कॉपी हो जाएगा, उधर मैं एक्सेल में जाकर इसको पेस्ट कर दूंगा। अब ये देखें मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको करता हूँ कॉपी। अब ये देखें ये एक्सेल में ओपन हो गया। अब इसको मैं कहता हूँ शो लोकेशन, और येलो पेज इसको मैंने किया ओपन। तो ये देखें ये सारा डाटा, अब इसको मैं सेट कर सकता हूँ इधर से। अब ये देखें उनका सारा जॉब नेम, पता, क्लिनिक इन्फॉर्मेशन, इधर ये देखो उसका मैप लिस्टिंग, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट सारा। तो अब ये देखें उनका कॉन्टैक्ट जो है, इधर मैं इसको करता हूँ ओपन, थोड़ा सा बड़ा कर लेता। अब ये देखें ये उनका फ़ोन नंबर है, सेल फोन। तो इस तरह आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा सिलेक्ट कर लेना जो आप जैसे भी जितना भी हो, और इसको आपने कोई बॉर्डर दे देना, कोई जो भी आपको लगे, ठीक है, बोल्ड कर दें। तो ये देखें ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब आपने सेटिंग इसकी खुद कर लेनी है, किसी बंदे की वीडियो देख लेनी है जो भी है। तो ये सारा डाटा जो भी उसका मिल गया, फ़ोन नंबर, कंपनी, सारी डिटेल उसकी दे दी। तो अब इसका आपने इसको नाम दे देना है 15 से 1 से लेकर 20। अब इधर आपने ये फाइल सेव करनी है ना, या ये वाली फाइल क्या है, डोंट सेव, मैंने नहीं सेव करनी। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ, इधर आके रीनेम किया, येलो पे ही आगे लिख दिया मैंने 1 to 20, इसको क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा फिर आता हूँ इधर, अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ नेक्स्ट पेज के ऊपर, नेक्स्ट, ये 3 पेजेस हैं अभी। अब जब मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर गया तो जनाब ये देखें ये नेक्स्ट पेज आ गया हमारे पास, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज आ गया, अब सेम ऐसे ही से मैं दोबारा फिर इधर गया, ये दोबारा फिर नेक्स्ट पेज का डाटा निकाल रहा है, फेच कर रहा है उसको। तो ये देखें जितना भी नीचे इसने वो लेना था डाटा, उसको रेड पट्टी के अंदर इसको ऐड कर लिया। तो ये सारे फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट जो भी है, हॉस्पिटल यूएसए के अंदर जिधर भी हैं, ठीक है। तो अब किधर है, नहीं ये देखें इसको दोबारा फिर करना पड़ेगा, उसने फेच कर लिया था लेकिन मैंने फिर दोबारा ध्यान नहीं किया। तो दोबारा जनाब ये दोबारा फिर वो नेक्स्ट पेज का आ गया, ठीक है। अब ये देखो उसका येलो पेज वेबसाइट उसकी आ गई, उसका उनकी वेबसाइट आ गई, नेम, पता, फ़ोन नंबर, स्टेट, एड्रेस, को किधर है, कौन से उसकी, ये सारा उसका डाटा आ गया है। तो ये सेम आपने उनको जिस बंदे को लिया होगा ऑर्डर, तो उसको ये आपने सेंड कर देना है। इसको भी आपने इधर कॉपी आर करना है या सी एस वी करना है, सेम वैसे प्रोसीजर करना है, उधर जाके आपने इसको
कर देना है एक्सेल में ऐड। इस तरह फिर आपने नीचे आना है, नेक्स्ट करना है। अब जब नेक्स्ट करेंगे आप तो फिर नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। अब जब ये नेक्स्ट पेज हो गया तो सेम फिर आपने इस तरह इधर करना है इसको, तो ये दोबारा फिर डाटा फेच कर रहा है। तो ये देखा अभी नेक्स्ट जो तीसरा पेज था उसके ऊपर डाटा ही नहीं था इतना, तो ये 2-3 पेज हैं बस, ठीक है। तो इस तरह आप इस पे काम कर सकते हैं। तो अब क्या काम करना है नेक्स्ट, अब इस एक्सटेंशन के थ्रू आप काम कर रहे हैं, ईमेल निकाल रहे हैं, डाटा ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर उनके, ठीक है। तो ये एक टास्क हो गया, ये हो गया डाटा स्क्रैपिंग। आपने कॉन्टैक्ट उनका कॉन्टैक्ट निकाल लिया, डाटा, ईमेल, फ़ोन नंबर सारा, ठीक है। तो अब आपने काम क्या करना है, अब मैं इसको करता हूँ डिलीट। अब ये देखें ये येलो पेजेस कोई और हैं, ये कोई येलो पेजेस है कोई और कंपनी का, ठीक है। तो ये देखें स्कैन योर बिजनेसेस, तो ये वाला येलो पेज कोई और है, वो वाला और था। तो अब ये देखें सॉल्यूशन एडवर्टाइजर ये नहीं है। तो इधर देखें आप रिव्यू प्रमोशन, तो इस तरह आपने सेम इधर भी ऐसे काम किए जाना है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो मैंने आपको दिखाना भी है। तो इसके बाद आपने आ जाना है क्या, ये इंडेक्स वाला भी हो गया, कैसे आपने इसको ब्राउज़र को ओपन करना है। अब आपने करनी है ईमेल स्क्रैपिंग। ईमेल स्क्रैपिंग कैसे करनी है, वो कैसे करनी है, फ्री में, बिल्कुल फ्री में, ठीक है। तो जनाब इसका क्या प्रोसीजर है, तो अब ये देखें एक बंदा या कोई बंदा आपको कहता है कि मुझे सेम इसमें वही प्रोसीजर है, वो बंदा कहेगा कि मुझे ईमेल चाहिए फलाने बिजनेसेस की या फलाने बंदे की या कोई भी। अब ये देखें वो बंदा जो एक बंदा पाकिस्तान में है या यूएसए में या यूके में या अफ्रीका किसी भी कंट्री में है, उस बंदे को अब ईमेल चाहिए, किसकी ईमेल चाहिए। तो वो बंदा कहता है कि मुझे मैनेजर पोस्ट पे जो बंदे हैं ना पाकिस्तान में या इंडिया में या किसी भी कंट्री में, या जो बंदे लिंक्डइन के ऊपर हैं या फेसबुक के ऊपर हैं, उन बंदों की मुझे ईमेल चाहिए। तो अब ये देखा भाई इधर मैं क्या लिखता हूँ उन बंदों की ईमेल फाइंड करने के लिए, साइट। अब ये देखें ये आ गया साइट आ गया। अब आगे मैं लिंक देता हूँ लिंक्डइन। अब ये देखें साइट इधर मैंने तो इधर 2 कोटेशन मार्क लगा दिए, स्पेस देके फिर इधर। अब रियल एजेंट कर दिया इस इधर भी 2 लगा दिए कोटेशन पाकिस्तान के ऊपर। तो ये मैं ख़त्म कर देता हूँ, मैं इधर लिख देता हूँ जीमेल या ईमेल email.com, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक है। अब ये देखें साइड कोटेशन मार्क में लिखना है, उसके बाद रियल एजेंट रियल स्टेट आना इधर, रियल स्टेट एजेंट पाकिस्तान या कोई इधर। मैं यूएसए भी कर सकता था या इधर लिंक्डइन की जगह फेसबुक भी कर सकता था। इसकी जगह पे साइट फेसबुक रियल एस्टेट एजेंट इधर पाकिस्तान है, इधर यूएस कर सकता था, यूके, अफ्रीका, इधर एजेंट था, इधर मैं मैनेजर कर सकता था, एचआर कर सकता था या कोई डॉक्टर कर सकता था, जिस भी फील्ड का था। उसके आगे मुझे उसकी ईमेल चाहिए, उसका कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए या उसका जीमेल अकाउंट चाहिए, जो भी। इस तरह आपने इस पर किया जाना, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ जनाब, इधर मैंने किया इसको इंटर। तो ये देखें ये उनकी सारी, ये देखें आसिफ मियाँ क्या जीमेल, उसके बाद है ये नीचे रियल स्टेट की ये वाली ईमेल आ गई, ईमेल पाकिस्तान, ये क्या पाकिस्तान रियल स्टेट आउटलुक या जो भी है। तो ये देखें नीचे सभी बंदों की आ गई हैं ईमेल। अब ये देखिए एक करके तो मैं निकालूंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा इस पर, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं ये टाइम इतना लगाऊं एक एक बंदे की ईमेल इधर जाके। जैसे कि अब ये देखें
कैसे बताऊँ, ये मिल चुकी। अब ये देखें, अब इस इधर मैं आऊँ, इधर इसको मैं ओपन करता हूँ, इस वेबसाइट को। ठीक है, पहले बंदे ऐसे फाइंड करते थे जैसे मैं अब आपको बताने लगा हूँ मैनुअली। तो इधर आया, ये वेबसाइट ओपन हो रही है, थोड़ा सा टाइम ले रही है यार, वीडियो अभी काफ़ी लंबी हो चुकी है। तो इधर मैंने क्या करना था, मैंने इधर आके कंट्रोल एफ करना था, कंट्रोल एफ करना है, तो उसके बाद इधर एक सर्च बॉक्स बन जाना था, उसके ऊपर मैंने लिखना था ऐट द रेट, उसके बाद उसको इंटर करना था, जो ऐट द रेट वाली होनी थी चीज़ें वो सामने आ जानी थी। तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा बंद करता हूँ, लोड ज़्यादा हो पड़ा है। तो अभी भी नहीं ओपन हो रही यार। चलें अब क्या करते हैं, चलें छोड़ें इसके, इसको छोड़ें। तो मैं इधर था चूँकि, तो जनाब मैं क्या करता हूँ, मैंने एक टूल किया हुआ है जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, तो वो आप मैंने उस टाइम तक ये वाली भी ओपन हो जाएगी, ये देखें। अब ये देखें ओपन हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, इधर मैं करता हूँ इसके ऊपर क्लिक करके, इसकी वेबसाइट के ऊपर इधर कहीं भी क्लिक करता हूँ, उसके बाद करता हूँ कंट्रोल एफ। तो ये देखें ये बॉक्स है, इधर मैं लिखता हूँ ऐट द रेट, नहीं ऐट द रेट, ये हैश आ गया। अब ये देखें, अब मैं करता हूँ इंटर, तो ये मुझे इसकी ईमेल के ऊपर ले आया। ये देखें, पहले इस तरह ईमेल फाइंड की जाती है वन बाय वन, इसको कॉपी करता, फिर इसका ये वाला कॉन्टैक्ट नंबर और ये फैक्स नंबर, तो फिर मैं ज़्यादा उधर एक्सेल में सेव करता, तो उधर जाकर फिर मैं उसको एड लिस्ट बनाता एक्सेल में वन बाय वन। ठीक है, तो इस तरह फिर मैं काम करता, तो ये काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाना था। अब मैं क्या करता हूँ, तो ये देखें इधर आया मैं, अब ये देखें ये कितनी लिस्टेड हैं, ये देखें। तो अब आपने करना क्या है, आपने अपने ब्राउज़र पे आना, पहले सेटिंग पे जाना है, सर्च सेटिंग पे जाना है आपने। ठीक है, तो इधर पे आपने क्या करना है, ये 100 पे कर देनी इसको, इस एरर को जो है ना ये वाला 100 पे लागू कर देना, ताकि आपको 100 रिजल्ट पे शो हो। ठीक है, तो वैसे मैनुअल जो था वो 10 शो होते हैं, तो ये आपने कर लेने हैं 100 इस पे। उसके बाद इधर नीचे आ गया, आपने कर लेना सेव, सेव कर लेना है। ठीक है, तो अब मैं जाता हूँ पीछे, तो ये हमारा वो जो मैंने पेज ओपन किया था उसको। अब ये देखें, ये एक हमारा टूल है शाइन टूल, इसको मैंने क्लिक किया। अब नीचे आ जाएं, ये देखें इधर आ रहा है स्क्रैप ईमेल। ठीक है, स्क्रैप ईमेल, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। अब ये देखें, ये टूल ने जो सारी ईमेल थी उसको फेच कर रहा है और निकाल रहा है। अब ये जो पहले पेज कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 कितनी भी हैं। ठीक है, अब इसको मैंने किया हाइड इधर से। अब मैं पीछे आ जाता हूँ नीचे, अब मैं जाता हूँ नेक्स्ट के ऊपर। अब मैं नेक्स्ट किया तो ये अगला पेज ओपन हो गया। ठीक है, अब इसके ऊपर जो नई ईमेल्स हैं वो आ चुकी हैं, जैसे कि ये देखें पड़ी। अब मैंने दोबारा फिर इसके ऊपर किया, अब क्या किया स्क्रैप ईमेल, दोबारा फिर इधर आया, तो ये देखें वो नीचे वाली इसने स्क्रैप होना शुरू कर दी है, पहले यहाँ से यहाँ तक ही थी, अब नीचे ये देखें नीचे आ रहा है। अब ये इसने नीचे आना शुरू कर दिया, अभी स्क्रैप कर रहा है। अब ना आपने फिर इधर साइड करना है इसको, अब आपने फिर नीचे आ जाना है। ठीक है, अब फिर आपने इसमें पेज ही दो हैं। ठीक है, इसमें रिपेयर सर्च विद दी, इसको क्लिक कर लेते हैं अब हम। तो ये देखें ये दोबारा फिर आ गया है मे बी। अब हम क्या करते हैं, अब हमने सर्च करनी है लिंकडिन के ऊपर, और फेसबुक लिखता हूँ इधर, मैं फेसबुक लिखा हुआ, ये गलत हो गया।
फेसबुक लिखा और मैंने इसको इंटर कर दिया। अब ये देखें, ये जो बंदों की इन बंदों की जो आईडी है, जो ईमेल है, जो इधर फेसबुक के ऊपर जिनकी मिली हो लगी होगी, तो इधर से ये वाली फाइंड होगी। अब मैं दोबारा फिर गया इसके ऊपर, स्क्रैप ईमेल के ऊपर गया, तो ये देखें अब इसने ये वाली जो तीसरा बॉक्स है, अब ये देखें ये वाला, अब ये इसने उठा लिया है इधर फेसबुक के जो सभी पेजेस हैं, ठीक है। तो अब ये मेरा ख्याल कोई 100-150 होगी। तो साथ साथ आपने इनको सेव भी किया जाना, कोई बंदा और भी आपसे डाटा मांगता है, अगर एक बंदा बिलफर्ज रियल स्टेट एजेंट का है वो पाकिस्तान का, तो आपने उसको फाइल को एक नाम दे देना है, रियल स्टेट एजेंट ईमेल स्क्रैपिंग पाकिस्तान। उसके अलावा कोई बंदा यूएसए या किसी और कंट्री का, तो उसको आपने नाम दिया जाना, जब उसी सेम कंट्री का कोई बंदा और आता है तो वही आपने डाटा उठा के उसको दे देना है। तो इस तरह आपने ये वाला काम करना है, ठीक है, ईमेल स्क्रैपिंग वाला। तो इस सेम इसी तरह अगर मैं इधर कर दूँ इंस्टाग्राम, नहीं इंस्टाग्राम का नहीं पता, इंस्टाग्राम इधर मैं करता हूँ, इंस्टाग्राम लिखता हूँ इस अब इधर ये देखें, इंस्टाग्राम ये क्या लिख दिया, इंस्टाग्राम, ठीक है। अब मैंने इधर से क्लिक किया इसको, अब ये देखें जनाब जो इंस्टाग्राम मार्केटिंग रियल इस्टेट है, जो ये फेसबुक ही है, लिंकडिन, जो ये मार्केटिंग इंस्टाग्राम के रिलेटेड थोड़ी ज़्यादा नहीं आ रही, लेकिन अब क्या ये क्यों नहीं आ रही, मेरे को इंस्टाग्राम का सही लिखा नहीं हमने, इंस्टाग्राम इसको मैं इधर से किया कॉपी, अब मैं करता हूँ इसको दोबारा फिर जाके इधर, तो जनाब अब मैं करता हूँ ईमेल मैं जीमेल लिख देता हूँ इधर, जीमेल लिखा इधर, तो अब ये फेसबुक .com अबाउट अब्दुलरज़ाक स्टेट, ये इनके इंस्टाग्राम के ऊपर अकाउंट किसी किसी बंदे का होगा, सभी का नहीं होगा, तो बाकी आप फाइंड कर सकते हैं। अब दोबारा फिर इधर गया ईमेल स्क्रैपिंग के ऊपर, तो ये देखिए दोबारा नीचे डाटा फैच होना शुरू हो चुका है, ये देखें ये इसने निकाल लिया अब ईमेल, पहले हमने निकाला था उससे वेब स्क्रैपिंग से, दूसरा भी वेब स्क्रैपिंग से, तीसरा हमने निकाला था फेसबुक से, ठीक है, और ये चौथा हमने निकाला है इससे इंस्टाग्राम से, ठीक है, ajeetmanav.com, ये सभी बंदों का डाटा आ रहा है इधर। तो इस तरह आप ये डाटा फाइंड कर सकते हैं। तो अब ये वाली जो इसका नाम है एक्सटेंशन है शाइंस टूल, आपने क्या करना है, आपने इधर लिखना है शाइंस टूल पे आपने आना है, ठीक है। जब आप इधर आ जाएंगे इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, एक मिनट, अब ये वाला आपने किसे इसको यूज़ करना है, अब आपने आना है इधर इस तीन डॉट के ऊपर, इधर आपने जाना है बुक मार्क के ऊपर, तो इधर आना आपने इधर करना है शो बुक मार्क, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, क्लिक करना ऐसे टिक हो जाएगी तो अब आपने इसको छोड़ देना, फिर क्या करना है आपने इधर आना है, इस शाइन टूल को आपने इधर से ड्रैग करना है, और इधर जिधर ये मेरा शाइन टूल पड़ा ना इधर, इसके ऊपर लाकर आपने ऐसे छोड़ देना है, ठीक है। इस तरह ये आपको इधर ऐड हो जाएगा, तो इस तरह आप इससे डाटा निकाल सकते हैं ईमेल स्क्रैपिंग, बिल्कुल फ्री है, पेड नहीं है। इसी तरह अगर आप पेड सर्विसेज भी लेना चाहते हैं तो वो आप तो ले सकते हैं। उसके बाद एक और ये वाला यार, ये वाला डाटा स्क्रैपिंग, ये वाला भी है डाटा माइनर है, तो ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मुझे याद नहीं इसका, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। अब इसमें आपने साइन इन करना है, तो इसके बाद आपने जो भी आपने इस तरह सेम ऐसे लिखना है, इस तरह आपने लिखना है, जब इसको आप इधर से सर्च किया ऐसे,
सर्च करने के बाद आपने आ जाना है इसके ऊपर, इसको क्लिक करना है तो नीचे आपको ये पूरी लिस्ट वैसे ही ओपन करके दे देगा, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। ठीक है, तो ये भी फ्री पेड है, लेकिन ये फ्री में कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करता है, सारी नहीं। उसके बाद आप शॉपिफाई का भी ऐसे ही सर्च कर सकते हैं, एक एक्सटेंशन है शॉपिफाई, शॉपिफाई स्पाई टूल, ये वाला। ठीक है, इसको मैं इधर करता हूँ। तो ये शॉपिफाई का कुछ शॉपिफाई शॉपिंग स्टोर पार्सल स्क्रैपर। अब ये देखें, ये आ गया शॉपिफाई स्पाई, शॉपिफाई स्टोर प्रिपेयरेंस, इसको भी आपने ऐड कर लेना है, सेम वैसे ही काम करेगा। ठीक है, ये देखें नीचे ये लिस्ट इसकी आ रही है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है तो मैं आपको अब ये बता नहीं सकता।